तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं स्टार प्लस पर आने वाली सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जिसमें अभी हाल ही में लीप आया है और इसकी नई कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। तो वहीं इस सीरियल में अक्षरा के किरदार में प्रणाली राठौर को देखा जा रहा है और इनको इस किरदार में खूब पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि प्रणाली को अक्षरा का किरदार देने से पहले मेकर्स ने किरदार टीवी की 5 मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्रियों को ऑफर किया था, लेकिन किसी ना किसी वजह से उन सभी ने इस किरदार को करने से मना कर दिया। और हम आप सभी को उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाली हैं कि कौन कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां। तो अगर आप सब भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, अदा खान। अदा टीवी की मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक हैं और इनको दर्शक खूब पसंद भी करते हैं। इतना ही नहीं, इनको नागिन सीरियल में खूब पसंद किया गया था और इनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए मेकर्स ने अक्षरा का किरदार निभाने का मौका इनको भी दिया था। लेकिन उस वक्त अदा काफी बिजी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अक्षरा का किरदार ठुकरा दिया और इनको इस किरदार से रिजेक्ट होना पड़ गया। नंबर सेकेंड है हेली शाह। तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि दर्शकों के बीच इन दिनों हेली काफी पॉपुलर हैं और इतना ही नहीं, हेली अपनी एक्टिंग से भी दर्शकों का दिल जीतती रहती हैं, जिसको देखते हुए मेकर्स ने अक्षरा का किरदार निभाने का मौका इनको भी दिया था। लेकिन उसी वक्त हेली अपनी अलग प्रोजेक्ट में काफी बिजी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अक्षरा के किरदार को करने से मना कर दिया और ये भी रिजेक्ट हो गई। नंबर थर्ड, अनुष्का सेन। अनुष्का को अभी हाल ही में अपना टाइम भी आएगा शो में देखा गया था। इन्होंने बड़ी कम उम्र में ही बहुत ही कामयाबी हासिल कर ली है और इनको खूब पसंद भी किया जाता है, जिसकी वजह से मेकर्स ने इनको भी अक्षरा का किरदार निभाने का मौका दिया था और अनुष्का को ये किरदार पसंद भी था। लेकिन जब इनका लुक टेस्ट हुआ तो ये इस किरदार में फिट ही नहीं बैठी और ये भी रिजेक्ट हो गई। नंबर फोर्थ, रिम शेख। रिम टीवी की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं और इनको भी इनके फैंस खूब पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मेकर्स ने अक्षरा का किरदार इनको भी ऑफर किया। लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया और ये भी रिजेक्ट हो गई। नंबर फिफ्थ, जन्नत जुबैर रहमानी। जन्नत के तो लाखों चाहने वाले हैं जो कि इनको खूब पसंद भी करते हैं और मेकर्स भी चाहते थे कि अक्षरा का किरदार जन्नत ही प्ले करें। लेकिन जन्नत उस वक्त कोई डेली शॉप में काफी बिजी थी और हिस्सा भी लेना चाहती थी, जिसकी वजह से ये किरदार वो नहीं कर पाई और इनको भी रिजेक्ट होना पड़ा। और अंत में ये किरदार प्रणाली को मिल गया और ये प्रणाली के लिए ये किरदार काफी चैलेंजिंग भरा भी था। लेकिन अभी इनको अक्षरा के किरदार में खूब पसंद किया जा रहा है और प्रणाली अपने इस किरदार से घर घर में प्रसिद्ध हो गई है। तो अब आप सभी को अक्षरा के किरदार में प्रणाली ही ठीक लगती है या फिर इन अभिनेत्रियों में से किसी को होना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।